तो दोस्तों यहाँ मैं काट रही हूँ क्योंकि हाँ ये सांप आया भी था तो मैं देखी। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो भैया दीदी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। तो बोल दो बोल दो। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखना, आप सबको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों बारिश बहुत हो रहा है और तेजी से बारिश हो रहा है, इधर साइड में दिखाती हूँ। और तुमने महाकपड़ी लेकर आया तो मैं दो बर्तन धोने के लिए था जो मैं बर्तन पकड़ लेती हूँ यहाँ पर बर्तन हो रहा है। गुंजन मत जाओ बीच में, तो गुंजन सब सामान घर रख रही है और वहाँ खाता लेकर खड़ी हुई है। बारिश तो बहुत तेजी से हो रहा है, शायद आवाज़ भी नहीं सुनाई देता होगा। देखिए चारों तरफ कितना तेजी से बारिश, तो और मिट्टी सब बन जा रही है इधर। तो दोस्तों यहाँ मैं बर्तन को माँज रही हूँ, सुबह सुबह का टाइम है और कुछ बर्तन मैं धुल चुकी हूँ और कुछ बर्तन बाकी था धुलने माँजने का। दो बर्तन बाद में लाई है अंजलि, तो यहाँ मैं माँज रही हूँ और दो बार बर्तन धुल चुकी हूँ, एक बार बर्तन और धुलना है तो यहाँ धुल रहे हैं और बर्तन धुल के रख रहे हैं। तो आजकल दो तरह का सब्जी बन जाता है, एक तेल मसाला वाला एक सादा, तो इसीलिए दो कढ़ाई लगता है। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई को धुल रही हूँ और बाकी बर्तन बचा है इसको भी धुल लेते हैं। तो अब धुल के रख देंगे। तो गुंजन बर्तन मांजती है कभी कभी और हमें आराम होता है तबीयत थोड़ा, तो मैं भी मार देती हूँ क्योंकि बच्चे हैं परेशान हो जाते हैं। तो हमारी कई बहनें बोलती हैं सुनीता जी अभी आप इतना मेहनत वाला काम मत किया करो, तो हम बैठ के काम जो होता है कर लेते हैं, भाग दौड़ नहीं करते हैं। तो हम बर्तन को धुल चुके हैं और चलते हैं मंजन कर लेते हैं। बर्तन को धुल रही हूँ, जमीन के पास बर्तन को ले जा रही हूँ। यहाँ पर मैं तब में पानी भर रहा हूँ और मैं कहीं कहीं पानी को रख देती हूँ किचन में। हम सबको लगा रहा हूँ बाल में। तो दोस्तों बारिश हो रहा है और चंदन के पापा चावल दाल पका रहे हैं और मैं इधर बच्चों को चाय जा रही हूँ देने। और तो आज सुबह सुबह ही बारिश होने लगा तो यहाँ मैं चाय छान रही हूँ, सभी बच्चे जा रहे हैं पीने। अंजलि मंजन की है तो यहाँ पर मैं चाय निकाल रही हूँ। नानी नहीं करी है तो अंजलि सबका शिकायत कर रही है। तो हमने चार बर्तन में चाय छान ली हूँ और इसे साइड में रख देते हैं। दोस्तों यहाँ छह बर्तन में मैं चाय निकाल दी हूँ, जिसमें ज़्यादा कम है पूरा कर रहे हैं। और तो यहाँ पर पोहा को अच्छी तरह से भून दिए हैं, थोड़ा सा तेल और नमक डाल के, तो पोहा बहुत अच्छे से कुरकुरा भून गया है। चाय के साथ पोहा अच्छा लगता है। तो 10 रुपये का आया था देखिए इतना सारा, अगर इसके जगह पे नमकीन होता तो इतना मिलता, और पोहा भी नमकीन के टेस्ट से कम नहीं है। यहाँ मैं छान ली हूँ और पोहा सबको दे देते हैं। तो सबका नाश्ता हो रहा है और मैं पॉलीथीन में ले लेती हूँ, बाकी सब लोग अभी कटोरी में दे दिए हैं। तो हम सब चाय पी लेते हैं। देखिए बारिश इधर हो रहा है। अच्छा लगा चाय? हाँ। तो दोस्तों यहाँ तरोई तोड़ रहे हैं, हम सब तोड़ चुके हैं लगभग,
और तरोई खड़ा हुआ था, तो देखिए इतना सारा तरोई निकला है। अभी बीच में अगर देखेंगे तो और खड़ा होगा। देख लीजिए आप सब कितना अच्छा बड़ा बड़ा सा तरोई ये खड़ा है, ये देखिए। और इसमें दो प्रजाति है, ये नेनुआ है और ये तरोई है। तो तरोई देखिए कुछ इस तरह है, नेनुआ कुछ इस तरह है। तो ले चलते हैं हम नेनुआ तरोई को घर में रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं काट रही हूँ क्योंकि ये यहाँ झाल हो जाएगा, वो आप समझ सकते हैं झाग ही हो जाएगा, तो सांप बिच्छू आने का डर रहेगा। और यहाँ ये सांप आया भी था तो मैं देखी अच्छा नहीं है, यहाँ बच्चे रहते हैं खेलते हैं, तो हम निकाल देते हैं जो खराब ये नीचे पौधा है, इसको काट ही देते हैं। काटना पड़ेगा क्योंकि यहाँ इतना झाड़ नहीं रखेंगे, अब देंगे थोड़ा काटेंगे, ज़्यादा नहीं काटेंगे, तो आप सबको हम दिखाएंगे। तो चलते हैं काट देती हूँ। और उधर चंदन के पापा गुंजन सब खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और मैं सोची कि यहाँ मैं जब सांप देखी तो मैं सोची कि इसको काट ही देते हैं यहाँ से, क्योंकि बहुत होशियार हो गया यहाँ पर। यहाँ जो नीचे ज़मीन पे लताएं हैं सब निकाल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों अभी अभी भिंडी का पौधा मैं इधर साफ कर दी हूँ, कुछ ये देखिए पौधा लगाई हूँ। तो हमारी कई बहनें पूछती हैं संगीता जी किस चीज़ का पौधा है, तो हमें खुद नहीं इसका नाम मालूम है, लेकिन ये पौधा बहुत अच्छा ये ऐसे बहुत बड़ा और घेरादार होता है, गोलाई में सुंदर लगता है। तो यहाँ मैं पूरी पत्तियाँ साफ कर दी हूँ, अब उधर का साफ करना है, इधर का भी सफाई कर देती हूँ। और ये बैंगन का पौधा है, तो बैंगन इसमें हरा वाला बैंगन फल रहा है, तो यहाँ मैं तोड़ रही हूँ। इतना सारा सफाई मैं कर दी यहाँ का, देखिए इतना सारा पत्ती निकाली हूँ, अभी और निकालेंगे यहाँ का। तो इतना सारा निकला है मैं काट के निकाल दी हूँ, देखिए इधर साइड का कुछ इस तरह साफ कर दी हूँ। तो दोस्तों इधर का पौधा का ये पत्तियाँ निकाल दे रही हूँ, देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं सांप बिच्छू का डर रहेगा, तो इसीलिए यहाँ काटना पड़ रहा है। सभी में पत्तियाँ बहुत अच्छे से लिए है। तो यहाँ सारा देखिए जितना नीचे था पौधा सभी की कटाई कर दी हूँ, तो मैं सही से इसको कर नहीं पाई, ऊपर ऐसे चढ़ा देते तो चला जाता, लेकिन कुछ पौधे क्या ये काटना पड़ा। खाना निकाल रहे हैं चंदन के पापा और हम सब खाने जा रहे हैं, प्याज ले आओ चब्बी। तो दोस्तों डॉक्टर हमें प्याज और लहसुन ये खाने के लिए ज़्यादा बोली है। तो यहाँ हम सब खाना खा रहे हैं, खा लीजिए। तो दोस्तों हम सब खाना खा लेते हैं, फिर आप सबसे मिलते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ करना। और आज शीतल गुंजन साथ में नहीं बैठी हैं, वो कहीं चली गई हैं घूमने गांव में, तो अंजलि है हमारी और चंदन है। तो यहीं पे वीडियो हम सब खत्म भी करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ करना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बस नमस्ते। बस नमस्ते। लाइक का प्लीज मास्टर।